आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जो टीवीएस ने 2018 में, जी हाँ, जो टीवीएस ने 2018 में जुपिटर लॉन्च करी है, जिसमें एलईडी हेडलाइट और एलसीडी डिस्प्ले के साथ है। आज मैं आपको उसका सर्विस लेकर के आया हूँ। जी हाँ, आप उसको घर पे भी सर्विस कर सकते हैं, ज़्यादा बिना कॉस्ट लगाए। जैसे कि आप कंपनी में ले जाते हैं, आपका 1500 कुछ ऐसे रुपए बैठाते हैं वो लोग कुछ बिना किए, तो आज मैं वही आपके लिए लेकर के आया हूँ। आप उसको घर पे भी कर सकते हैं, कुछ ज्यादा नहीं, एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से और एक 8 या 10 नंबर के पाने की वजह से। जी हाँ, आप इससे अपने जुपिटर, जो नई जुपिटर है, उसका सर्विस कर सकते हैं अपने घर पे ही। और ज्यादा स्कूटरों और बाइकों में कुछ होता नहीं है, सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है इंजन ऑयल। जी हाँ, सही पकड़ रहे हैं आप, इंजन ऑयल। अगर आपकी स्कूटर में इंजन ऑयल नहीं रहेगा तो आपके कुछ भी हो सकता है, जैसे इंजन सीज हो सकता है या फिर अदर भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। अगर इंजन ऑयल आपने चेंज किया है तो आपके स्कूटर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, जो कि है स्टार्टिंग के पर्पज से इसलिए नहीं आने वाली क्योंकि उसका जो पिस्टन होता है उसमें लुब्रिकेशन सबसे ज़्यादा बना रहता है, और भी हर चीज़ों में लुब्रिकेशन बना रहता है क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे पंप लगे रहते हैं जो कि पिस्टन को ऊपर नीचे करने से पहले उसमें ऑयल डाला करते हैं। अगर आपका वो इंजन ऑयल उसमें नहीं रहेगा तो वो पिस्टन ऐसे ही वर्क करने लगेंगे और फिर वो सीज हो जाते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, वो सीज हो जाते हैं और फिर आपको इंजन 5 या 10 हज़ार रुपये लगा करके बनाना पड़ता है। उससे पहले आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपके पास समय नहीं रहता दुकान पर ले जाने का, और संडे वाले दिन जैसे दुकानें बंद रहती हैं कुछ, या बृहस्पति वाले दिन आपके पास छुट्टी रहती है तो दुकानें बंद रह सकती हैं, लेकिन आप अपने घर पे भी कर सकते हैं ऐसा। अगर आप 1 या 2 बार अपने घर पे करेंगे और तीसरी बार दुकान पे आपको कराना ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास ऐसा कुछ सामान नहीं रहता जो आपकी एक्टिवा में ख़राब होने वाला हो या जुपिटर में ख़राब होने वाला हो, तो आप एक्टिवा 5G और जुपिटर LED हेडलाइट जो नई लॉन्च हुई है उसके साथ आप सर्विस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। जैसा कि ये स्कूटर आप देख रहे हैं जुपिटर का, टीवीएस जुपिटर का, अभी इसकी सर्विस होने वाली है, तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ये 3 बैटरी के बोल्ट रहते हैं, इसको निकाल लेंगे तो बैटरी आपकी निकल आएगी। आगे का जो पार्ट खोलना है उसको बैटरी निकालना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपको फ्यूज का एक बॉक्स दिखाई पड़ेगा छोटा सा, ये देखिए, जो ये ब्लैक कलर का 10 एम्पियर जिसमें लिखा हुआ है, ये ब्लैक कलर का फ्यूज का बॉक्स है। इसको निकालने के लिए थोड़ी आपको मेहनत करनी पड़ सकती है और निकल आएगा ये आराम से, और बैटरी किनारे धर दीजिएगा। आपको यहाँ पर जो 4 स्क्रू दिखाई पड़ रहे हैं इसको खोल लेंगे 8 नंबर के पाने से। उसके बाद क्या होगा, ये पूरी जो डिग्गी है ये ऊपर की ओर उड़ जाएगी। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये देख पा रहे हैं आप जो नई जुपिटर है उसको कैसे सर्विस कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है कि 4 जो बोल्ट हैं उसको खोल लीजिएगा और फिर डिग्गी उड़ जाएगी। चलिए खोल लेते हैं। तो अभी यहाँ से जो फ्यूज वाला ये मैंने निकाला है, ये आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि अगर आपका कभी फ्यूज खराब हो जाता है तो मैं अभी आपको ये भी चेंज करना सिखा दूंगा कि कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये 4 बोल्ट खुल चुके हैं, अभी हम लोग क्या करने वाले, फिल्टर को निकालने वाले। तो इसका फिल्टर निकालने के लिए आपको डिग्गी हटानी पड़ेगी और नीचे फिल्टर बॉक्स दिखाई पड़ने लगेगा। तो फिल्टर को निकालने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एक स्क्रू देखने को मिल जाता है, जिस स्क्रू को ढीला ही करते मान आपका ये जो फिल्टर है ये पीछे की ओर थोड़ा सा ढकेला जाएगा, और ये देख पाएंगे आप ये बोल्ट को थोड़ा ढीला कर लिया गया है। अभी क्या करने वाले हैं, फिल्टर बॉक्स निकालने के लिए उस साइड आपकी दूसरी साइड 2 बोल्ट लगे होंगे जो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। 2 बोल्ट को खोल लेते हैं और ये देख पाएंगे आप फिल्टर निकल आएगा। दूसरी साइड आप अपने देख लीजिएगा, उधर फिल्टर का बोल्ट लगा होगा, ये एक यहाँ से बोल्ट खोला गया है और 2 इधर बोल्ट लगे थे किनारे, तो किनारे वाले बोल्ट बाहर से खुलते हैं। और ये सब जो पाइपें हैं ये सब एयर वाली पाइपें हैं, इनको अगर आप नहीं भी लगाते तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको इसमें लगा देना है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, फिल्टर क्लीन करने वाले हैं। तो फिल्टर देखते हैं, फिल्टर तो शायद इसमें नया डालने वाला हूँ हम लोग। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इस बॉक्स को खोलते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें फिल्टर कैसा है, अगर अच्छा होगा तो नहीं भी चेंज करिएगा आप तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अभी इसमें नया डालने वाले हैं क्योंकि जिनकी ये गाड़ी है उन्होंने कहा है कि फिल्टर आप चेंज कर दीजिएगा, वो लाके दिए हैं। ये देखिए फिल्टर सही है और ये जो फिल्टर है इसको ठोक करके साफ कर लिया जाता है, लेकिन अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें नया ही फिल्टर डालने वाले हैं।
क्योंकि उन्होंने जिनकी गाड़ी है उन्होंने ला करके दिया है कि नया फिल्टर आप डालिए। तो ये आप देख पाएंगे एक्टिवा का फिल्टर है ये नया, ये देखिए, और ये एकदम नीट एंड क्लीन होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको लाइए, पैकेट से खोलिए और अपने बॉक्स में सेट कर दीजिए, बस आपको कुछ भी नहीं करना है। तो अभी हम लोग फिल्टर लगाना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फिल्टर बॉक्स को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेना होगा कि ताकि इसमें कोई भी धूल मिट्टी कण ना रहे। अच्छी तरीके से क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद क्या करना होगा, फिल्टर को बैठाना होगा साइज के हिसाब से और फिर इसके ऊपर बोल्ट लगा देना है। बोल्ट लगाने के बाद आपका फिल्टर बॉक्स तैयार हो जाएगा। तो चलिए बोल्ट को कस लेते हैं। हम क्या करने वाले हैं, इंजन ऑयल को चेंज करने वाले हैं। तो इंजन ऑयल के लिए क्या करना होगा, आपको टी एलंकी का प्रयोग करना पड़ेगा। जी हाँ, टी एलंकी का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे वाला बोल्ट खोल करके इसमें का जो इंजन ऑयल है उसको निकाल लेते हैं और फिर इसमें जो भी आपको इंजन ऑयल डालना हो वो डाल सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कौन सा इंजन ऑयल आपकी तो आपकी बाइक के लिए ठीक रहेगा इंजन ऑयल। तो अभी हम लोग वो भी जानने वाले हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, इस बोल्ट को खोल लेते हैं। बोल्ट को खोलने के बाद सारा इंजन ऑयल निकाल लेते हैं एक्टिवा और जुपिटर का। अगर आपके पास एक्टिवा भी है तो ऐसे ही आप सर्विस कर पाएंगे एक्टिवा का। 5G, 4G, 3G, 2G ऐसे ही आप इसका सर्विस कर पाएंगे। और अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इंजन ऑयल ये देख पा रहे हैं आप, इंजन ऑयल भी एकदम ठीक ही ठाक निकल रहा है इसमें। और हाँ, एक बात का जरूर ख्याल रखें कि अगर आप इंजन ऑयल निकालते हैं तो इसको कूड़ेदान या नाली वाली में ना फेंकें। इससे बेटर आपको इसका एक और फायदा हो सकता है कि आप इसको अपने जो जितने भी ब्रेक्स हैं और भी कोई, जैसे कभी पंखे में ऑयलिंग करना रहता है या कहीं पर भी ऑयलिंग करना रहता है तो आप इन सब ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये जो ऑयल है इसमें लुब्रिकेशन बना रहता है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, फिल्टर को बैठाने वाले हैं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फिल्टर को बैठा लिया जाता है अच्छी तरीके से। तो अभी मैं आपको जो वो जो 2 वोल्ट नहीं दिखाए थे वो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर बाद। तो आप देख पाएंगे यहाँ से इसको बैठा लिया गया है। अभी दोनों बोल्ट को उधर से कस दिया जाएगा। तो आप देख पाएंगे ये इसके अंदर का पोर्शन है। अगर कार्बोरेटर में कोई दिक्कत आती तो आप उसको भी सेट कर पाएंगे अच्छी तरीके से। यहाँ से आप देख पाएंगे कि सारी चीज़ें सेट कर ली हैं। जैसे जैसे निकाला जा रहा था वैसे वैसा, कि अभी मैं आपको बताने वाला था कि फिल्टर बॉक्स के 2 स्क्रू जो इधर लगे हुए थे ये भी आप देख पाएंगे अच्छी तरीके से। आपको मैंने अभी आगे नहीं दिखाया था, जब निकाला जा रहा था तब नहीं दिखाया था। ये वही 2 स्क्रू हैं जो यहाँ पर लगे हुए हैं, इनको भी टाइट कर लिया जाएगा अच्छी तरीके से, नहीं तो फिल्टर बॉक्स हिलने की आवाज़ आएगी और खट 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 करने लगेगा। इसको अच्छी तरीके से कसने के बाद अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, आइए जानते हैं आगे। तो अभी आप देख पा रहे होंगे इसको बोल्ट को अच्छी तरीके से कस लिया जा गया है अभी ऊपर के। और ये जो ब्रिक अब है आपको टाइट करनी हो तो टाइट कर सकते हैं, या ढीली करनी हो तो ढीली कर सकते हैं। तो टाइट करने के लिए क्या करना होगा, आपको इसको प्लास से घुमाना होगा इसके स्क्रू को और ये टाइट हो जाएगी। और अगर ढीला करना हो तो इसको दूसरी तरफ को घुमाएंगे, ये देख पाएंगे आप, इसको टाइट करा जा रहा है थोड़ा, कि आपकी जो ब्रिक है वो भी अच्छी तरीके से वर्क करने लगे। अगर जी हाँ, आपकी जो पिछली ब्रिक है ये अच्छी तरीके की वर्क करने लगेगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे ब्रिक नहीं लगती है, तो आपको ब्रिक शू चेंज कराना पड़ेगा। ब्रिक शू चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, अलॉय व्हील खोल लेना होगा। ये आपका ऑयल फिल्टर है जो कि आपको ऑयल फिल्टर करने का काम करता है। और अभी क्या करना होगा, इसको क्लीन करना हो तो क्लीन कर लीजिए, नहीं तो आप ऐसे भी इसको लगा सकते हैं। तो अभी इसको क्या करना होगा, जो ये ऑयल है इसको नाली या किसी भी चीज़ में ना फेंके और इसको डिब्बे में डाल करके आप प्रयोग में ला सक पाएंगे। अभी ये जो ऑयल फिल्टर है इसको लगा लेते हैं यहाँ पर, और लगाने के बाद इसका जो बोल्ट है नीचे वाला इसको कस लेंगे। फिर आपको बताऊंगा कि कौन सा इंजन ऑयल सबसे बेस्ट रहेगा आपकी एक्टिवा के लिए। तो जी हाँ, आप कौन सा इंजन ऑयल डालते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ना भूलिएगा। और आप जरूर से जरूर बताएं कि आपको कौन सा इंजन ऑयल पसंद आया और कौन सा इंजन ऑयल आप अपनी एक्टिवा में प्रयोग करते हैं। उसके बावजूद अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और एक्टिवा हो या जुपिटर हो या स्कूटी पेप्ट हो,
आप सारी जितनी भी स्कूटी है वो आप ऐसे सर्विस कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर जो इंजन ऑयल ये भैया डालने वाले हैं, ये कौन सा इंजन ऑयल है, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कैस्ट्रॉल एक्टिव है ये इंजन ऑयल। और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि ये कौन सा इंजन ऑयल है, मतलब कितने सीसी और कितने का वो है, तो आप यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। तो भैया ये डाल लेते हैं इंजन ऑयल, इसमें 900 ml पड़ता है। जी हाँ, एक्टिवा हो या जुपिटर हो, इसमें 900। यहाँ मैं आपको बता दूँ इसमें इंजन ऑयल कौन सा पड़ता है, कैस्ट्रॉल एक्टिव 30-40 डाला जाता है इसमें, और इसमें 900 ml पड़ता है। इंजन ऑयल डालने के बाद अच्छी तरीके से उस हेड को टाइट कर लें। अभी यहाँ पर आपको क्या बताने वाला हूँ कि स्पार्क प्लग को कैसे आप साफ कर पाएंगे। तो स्पार्क प्लग साफ करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि स्पार्क प्लग को आप खोल लीजिएगा यहाँ से और साफ कर लीजिएगा स्पार्क प्लग को। अगर ये वीडियो देखनी है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होगा, वहाँ से आप जा करके देख पाएंगे कि कोई भी बाइक का स्पार्क प्लग या स्कूटी का स्पार्क प्लग कैसे साफ करते हैं। जी हाँ, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो हेड निकाला गया था इसको टाइट कर लेते हैं अच्छी तरीके से, बैटरी लगा लेते हैं, और ये सर्विस हो गई। आगे वाली जो ब्रिक है उसको भी टाइट कर लेंगे अच्छी तरीके से, और फिर आपकी सर्विस हो गई। आप इसको धुलने के लिए ले जा पाएंगे अगर आपको धुलवाना हो तो, नहीं तो आप ना धुलवाइए, घर पे भी धुल सकते हैं इसको, ऐसी कोई बात नहीं, आप घर पे भी इसको धुल सकते हैं अच्छी तरीके से, आप चाहें तो घर पे धो लीजिए। चलिए शुरू करते हैं इन सब चीज़ों को टाइट करना।